आज मेरा मकसद पूरा, आज मेरा मकसद पूरा। मैंने कहा था ना कि मैं उसको बर्बाद कर दूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। मेरे भाई को मार दो। अपना बदला पायल, मेरे पायल को मार डाला। पायल आंखें खोलो पायल आंखें खोलो पायल ये समय ये सब बात का नहीं है महेश, हमें पायल को फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पायल मैं कुछ नहीं होगा पायल। ये क्या किया तुमने? देखा नहीं तुमने? मेरे पायल को मार डाला। आप लोग सब यहीं रुकिए, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। कभी नहीं सोचा था कि हमारी बिंदिया ऐसा कुछ कर सकती है। जब इसके आसार थे तो पायल को बिंदिया के पास जाने ही क्यों दिया? मना किया था ना डॉक्टर शालिनी ने? बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उस डायरी में लिखा था। अब तो बिंदिया का हौसला और भी बढ़ जाएगा। हाय हाय, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। चाचू, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी डायरी में लिखा है वही हो रहा है और आगे भी वही होने वाला है? हाँ, अगर हमने कोई उपाय नहीं किया तो। खुशी हो रही होगी, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हो रहा। डोंट फील बैड बाबी, मैं ये जरूर चाहती थी कि पायल अपने घर से और महेश की जिंदगी से दूर चली जाए, लेकिन इस तरह। तुम्हें क्या हो गया है बिंदिया? तुम तो ऐसी नहीं थी। आज तुमने जो किया है उसके बाद मैं महेश और घर वालों से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा।
डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी मेरी पाल कैसी है? ब्लड काफी बह चुका है, हमारी पूरी कोशिश के बावजूद ब्लड का बहना बंद ही नहीं हो रहा है। ब्लड प्रेशर भी काफी लो हो चुका है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। आप लोग प्लीज जल्दी से ब्लड का इंतजाम कर लीजिए। देर से ही सही बच्चा, पर ईश्वर की तुम पर बड़ी मेहरबानी है जो वो तुम्हें सही रास्ते पर ले आया। पहले जरूर तुमने गलत का साथ दिया था, पर अगर इंसान सच्चे मन से पश्चाताप करे तो भगवान ईश्वर के किसी भी गुनाह को माफ कर देता है। बाबा, काजल जितना खुद तड़प रही है वो उसे कहीं ज्यादा दूसरों को तड़पा रही है। काजल की तरह मैं पायल से भी प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि काजल की आत्मा को मुक्ति मिले और पायल अपनी जिंदगी हंसते हंसते गुजार दे। बस अगर तुम सच का साथ दोगी तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटी, उस पर भरोसा रखो बच्ची। जिसने ये पहेली रची है वही इस पहेली को सुलझाएगा। लो बेटा ये तावीज लो और इसे पायल के हाथों में बांध देना। खुश रहो। अलक निरंजन। भाभी आप? हाँ, मैंने तुम्हारी सारी बातें फोन पे सुन ली थी, इसलिए पीछा करते यहां तक आ गई। पर ये सब क्या है कुंजबाला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता ये ताबीज। भाभी, इस बारे में आप अगर मुझसे ना ही पूछे तो ही बेहतर होगा। देखिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं ये सब कुछ सिर्फ पायल के लिए कर रही हूँ। ये ताबीज भी पायल के लिए ही है। और आत्मा वाली बात, ये सब क्या हो रहा है? वो मैं कुंजबाला जवाब दो, ये सब क्या हो रहा है? भाभी, काजल पायल को चैन से जीने नहीं दे रही। पागल हो गई हो तुम? काजल को मरे हुए इतने दिन हो गए, अब वो पायल को क्या तकलीफ पहुंचाएगी? हाँ, क्या हो रहा है? भाभी देखिए, मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। बस एक मिनट। हेलो, हाँ समीर बेटा बोलो। भाभी, क्या कहा समीर ने? कुंजबाला, बिंदिया ने पायल को मारा है। पायल हॉस्पिटल में क्रिटिकल है। क्या? हमें वहां जाना है, चलो जल्दी। तेरी जेठानी का क्या हाल किया मैंने? अब तक तो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें भी ले चुकी होगी। अब तेरी बारी है बिंदिया। दोनों ने मुझे बर्बाद किया था ना, तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मुझको भुगतनी पड़ेगी। होगी।
तक तो पायल मर चुकी होगी। मेरे श्रृंगार का क्या मतलब? मुझे तो ये सब उतारना ही पड़ेगा। सफेद साड़ी, जा रहा है तू? मैं बिंदिया को कभी माफ नहीं करूंगा समीर। क्या कहा तूने? तुमने देखा ना बिंदिया ने पाल के साथ क्या किया? महेश तू जानता है तू क्या कह रहा है? तू जानता है ना बिंदिया की तबीयत ठीक नहीं है? अरे इस वक्त उसे इलाज की जरूरत है, गुस्से की नहीं। अरे वो तो खुद नहीं जानती उसके साथ क्या हो रहा है। ये वक्त जल्दबाजी से काम लेने का नहीं है, आराम से सोच। पायल को क्या हुआ? कहाँ है वो? उधर है। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है, मैं प्लीज पायल से मिल सकती हूँ? देखिए अभी उनकी हालत बहुत खराब है और ऐसे में हम किसी को उनसे मिलने की परमिशन नहीं दे सकते। देखिए डॉक्टर साहब दरअसल मैं पायल को ये तावीज बांधना चाहती हूँ। ये सिर्फ तावीज नहीं है डॉक्टर साहब, ये ईश्वर का आशीर्वाद है और मुझे ऐसे लगता है कि पायल ठीक हो जाएगी। इसके लिए एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं सिर्फ प्लीज। ठीक है लेकिन आप जल्दी वापस आइएगा। मैं जल्दी आ जाऊंगी। श्रीनाथ जी बाबा, मेरी पायल की रक्षा करना। काजल ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका जवाब देना होगा और वो भी अभी इसी वक्त। मैं तुम्हारे पास आ रही हूं काजल, तुम्हारे पास।
क्या? मैं तो सोच रही थी कि ये खुश होगी, लेकिन ये तो रो रही है। कोई गम नहीं है, लेकिन शोक तो मनाना ही पड़ेगा ना। शोक तो मनाना ही पड़ेगा। काजल, 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 काजल।